हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवशीष किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं छोटे बैंगन और आलू की सब्जी। सबसे पहले हमने बैंगन को वॉश करके स्ट्रेनर में रख लिया है। अब हम इसे कट लगाएंगे और चेक करेंगे कि कुछ ख़राब तो नहीं है। उसके बाद हम इसके मसाले की तैयारी करेंगे। ये देखिए, हमने सारे बैंगन में कट लगा कर रख लिया है और आलू को भी काट कर रख लिया है। अब हम एक मसाले की तैयारी करेंगे। तब तक हम कढ़ाई में तेल डाल के मध्य गैस पे गर्म होने के लिए रख देते हैं। जब तक ये तेल गर्म हो रहा है, हम मसाला ऐड कर लेते हैं। इसके लिए हमने नमक, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और सूखा धनिया पीसा हुआ, जिसे हमें ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है। इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करके और हम इसे बेसन इसके अंदर बैंगन के अंदर भरेंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए, हमने सारे बैंगन भर लिए हैं। अब हम इसे कढ़ाई में डालेंगे। और साथ में जो हमने आलू कट करके रखे हैं उसे भी डाल देंगे। और ये जो हमने मसाला सूखा बचाया है, इसे हम आखिरी में डालेंगे जब ये पूरे पक जाएंगे, नहीं तो ये मसाला पूरा जलने लगेगा। और ये मसाला एक्स्ट्रा ज़रूर बचाना है, क्योंकि इससे हमारे नमक के हमें हमारे आलू के लिए भी हो जाएगा और ऊपर से बैंगन की जो लेयर है उसमें भी लग जाएगा, तो आप टेस्ट अच्छा आएगा। देखिए मिक्स करके और आप इसे कर पकाइए जब तक ये आलू और बैंगन गल नहीं जाते। तब तक बैंगन पूरी तरह गल चुके हैं। हम आलू भी कट कर लेते हैं। देखिए आलू भी गल चुके हैं, सब्जी बनकर रेडी है। अब हम इसमें बचा हुआ जो हमारा सूखा मसाला रखा है वो इसे मिक्स कर देंगे और इसे बस 2 मिनट चलाएंगे। और इसे हम सर्व करेंगे। देखिए बैंगन आलू की सब्जी बनके रेडी है। आप इसे एंजॉय कीजिए और मुझे टेस्ट करके बताइए कि आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।